हेलो पेरेंट्स, अनुराधा ओडिया टिप्स चैनल रो बेबी केयर सेक्शन को आपण मानको बहुत बहुत स्वागत। शीत एबे सरी सरी आसुची, गरम धीरे धीरे बढ़ी बढ़ी चलुची। गरम दिन मानक शिशु मानक स्पेशल केयर रो आवश्यकता होइथाए। स्पेशली जो छुआ माने 6 मास रु कम बा गोटे वर्ष रु कम से मानकर बेसी देखाशुणा करिबा होइथाए। जदि से मानकर एटा प्रथम थर से माने गरम ऋतु को सामना करथांती ताहले से मानको बेसी केयर रो आवश्यकता होई पारे। कारण से मानकर स्किन रो लेयर बहुत पतला होइथाए एवं तांको डिहाइड्रेशन होबार मध्य बहुत अधिका चांस थाए। तो आज वीडियो रे आमे जानिबा कि जदि आपणकर छुआर एटा प्रथम थर गरम ऋतु बा छुआ जन्म हेला परे प्रथम थर पई गरम ऋतु को सामना करूची ताहले आपण आपणकर छुआर केमिति ध्यान रखिबे जेमति कि ताको गरम ऋतुन मानकर किछि भी असुविधा न होबो एवं गरम ऋतु तार भलरे भलरे कटि जिवो। तो चालंतु डेरी न करी आजर वीडियो टुकु स्टार्ट करिबा। सर्वप्रथम पॉइंट होउछि कि छुआ को जेमति पानी रो कम न होए, से सब बेले पानी तार शरीर रे ठीक भाव रे थाओ। जदि आपणकर छुआटी 6 मास रु कम ताहले ताको पानी दबा उचित नहे। गरम दिन मानकर जत्ते भी गरम हो ना काहेकि 6 मास रो कम छुआ को आपण केबे भी पानी दबा उचित नुहे। कारण एही मास रे पानी द्वारा इन्फेक्शन हबार सबडर अधिका चांस थाए। सेति पई 6 मास रु जो छुआ माने कम से मानकर ब्रेस्ट मिल्क बा फॉर्मूला मिल्क दबा उचित। किंतु गरम दिन मानकर एटा भी ध्यान रखंतु कि जेंति छुआटी को डिहाइड्रेशन न होए। सेथिपाई प्रति 1 रु 2 घंटा मध्य शिशु को ब्रेस्ट फिड बा स्तन्यपान करवा उचित। जदि शिशुटी स्तन्यपान न करुची फॉर्मूला मिल्क नौची ताहले प्रति 1 रु 2 घंटा भितर छुआ को बारंबार मिल्क दबा उचित। एवं ता सहित छुआर यूरीन रो कलर मध्य समय समय रे चेक करवा उचित। जदि छुआर डार्क यूरीन आसुची ताहले छुआटी डिहाइड्रेटेड हो जाइछि एवं एही समय रे ताको हाइड्रेशन रो दरकार पड़िथाए। जदि आपणकर छुआ ब्रेस्ट फिड करने डिमांड करूनी ताहले आपण ताको मझे मझे उठाई ब्रेस्ट फिडिंग करातु बा फॉर्मूला मिल्क पियंतु। जदि छुआटी दिन को 8 रु 10 थर परिस्रा पास करुची राति 3 रु 4 थर परिस्रा पास करुची ताहले आपणकर छुआ हाइड्रेटेड अच्छी एवं से सुस्थ अच्छे। एहा छड़ा आपण बारंबार निज शिशुर लिप्स एवं स्किन को देखंतु। जदि लिप आउ स्किन ड्राई लागुची ताहले एहार माने होउची कि आपणक छुआरे पानी रो कम हेगलानी, तेणु आपण ताको ब्रेस्ट फिडिंग करंतु। जदि छुआटी 6 मास रु अधिक टिके बड़ होइथाए ताहले ताको बारंबार पानी पियंतु एवं ता सहित होममेड जूस दही कोकोनट वाटर तछड़ा घोल दही एसबो मध्य देइ पारिबे। एसबो देबा द्वारा छुआटीर डिहाइड्रेशन रो प्रॉब्लम कम हो थाए एवं से हाइड्रेट रहे। नेक्स्ट पॉइंट होउची गरम दिन रे आपण आपणकर छुआर मैसेज कौ तेल रे करिवे। साधारणतः गरम दिन रे आपण छुआर मैसेज कोकोनट ऑयल रे ही करंतु। कारण कोकोनट ऑयल बहुत ही लाइट हेथाय एवं चिपचिपा मध्य होइ नथाय। कोकोनट ऑयल रे मालिश कर सला परे छुआटी को गाधे दियंतु एवं सांगे सांगे पोछंतु। जदि छुआटी 2 मास रु कम होइथाय ताहले सबुदिन न गाधेकी ताकु मझरे मझरे स्पंज कर दियंतु। एवं ता पर कथाटी जोडा ध्यान रखिबा उचित ताहा होची टैल्कम पाउडर। छुआ को कौनसी भी प्रकार टैल्कम पाउडर आपण यूज करंतु नाही। जदि निहाती जरूरी भावुचंती ताहले हर्बल एवं एंटी बैक्टेरियल पाउडर यूज करंतु। छुआ उपरे पाउडर एमती ही यूज करंतु नाही। टैल्कम पाउडर सीधा डबारु छुआ उपरे छिंचंतु नाही। जेतेबेले भी आपण टैल्कम पाउडर यूज करुचंती ताकु प्रथमे हातरे नियंतु। हाथरे पाउडर को झाड़ी सारा परे तापरे आपण शिशुर शरीर रे एहाको यूज करिपारिबे। कारण पाउडर रे थिबा जो छोट छोट कणिका ता छुआर श्वास नली दे जाय परे एवं छुआ को एलर्जी बा अन्य श्वास जनित समस्या मध्य होई पारे। नेक्स्ट पॉइंट होउची गरम दिन मानकरे आपण निज छुआ को कॉटन रो ड्रेस पिंधांतु एवं ड्रेस ढीला होइथिबा उचित। आम बड़ मानक तुलन रे छुआ मानको अधिक गरम लागिथाय। सेथिपई आपण गरम रे एही सब लेयर वाला कपड़ा मध्य अवॉइड करबा उचित। आपण कॉटन रो कपड़ा यूज करंतु एवं लाइट कलर मध्य यूज करंतु। एहा द्वारा छुआ को बहुत कंफर्टेबल लागिथाय। ता छड़ा छुआ को डायरेक्ट फैन बा एसी तले जमा भी सुवांतु नहीं। एमिती कले छुआ को ठंडा हबार मध्य चांस थाए। आपण आपणकर रूम टेम्परेचर 24 रु 27 डिग्री पर्यंत रखंतु। ताठरु अधिक बा ताठरु कम रखिले छुआ को सर्दी हे पारे बा अधिक गरम मध्य लागि पारे। आउ एक कथा मध्य आपण एठी ध्यान रखंतु
कि गरम दिन मानक डायपर अवॉइड करने चेष्टा करूँ। यही समय कॉटन रो नापी बा कॉटन रो कपड़ा यूज करें, कारण जिते आप डायपर यूज करेंगे से डायपर रास हबार समय संभावना थाए। ता छड़ा गरम दिन मानक मशा बहुत होता है, तेणु चेष्टा करूँ कि निज छुआ को जमती मशा न कामुड़े, कारण मशा कामुड़ी द्वारा डेंगू मलेरिया हबार आशंका बहुत बढ़ी जाए। से आपण मशारी व्यवहार करूँ एवं छुआटी को निरापद रखत। ता छड़ा गरम ऋतु रे आपण क्लीनलीनेस रे मध्य ध्यान रखंतु, कारण गरम दिन मानक इन्फेक्शन होबार सबुठो अधिका चांस थाए। छुआर गदी एवं बेडिंग एसबु को सफा रखंतु। जदि छुआ बॉटल फीड करुथाए ताहले फीड कर सला परे तार बॉटल को सांगे सांगे तार सोप रे बा जेकोनसी गरम जल रे वॉश करंतु बा स्टेरिलाइज करंतु। जदि बेसी समय पर्यंत बॉटल पड़ रहे सेतरे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होबार मध्य चांस रही थाए। जदि आपणकर छुआ बाहर खाद्य खाऊची ताहले खाद्य बनेबार अल्प समय भीतर ताकु खुआंतु, बेसी समय खाद्य रखिके ताकु खुआंतु नहीं। फ्रिज रे जो खाद्य अछि ताकु मध्य गरम करी छुआ को खाइबा को अवॉइड करंतु। दिन 9टा परे छुआ को केबे भी हेले बाहर को नहीं जांतु नहीं। जदि निहाति दरकार पड़ुची ताहले सनग्लास एवं कैप पिंधे नहीं पारे। तो जदि ए वीडियोटे आपनकु भल लागिथाय ताहले लाइक करिवे एवं अन्य मानक सहित सेयार करिवे।